तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो यहाँ पे आप एप्स को जरूर से यूज करते होंगे एंड ऐसे में आप एप्स को जो है मिनिमाइज में जो है जरूर से रखते होंगे, लेकिन अब आप उस ऐप के साइज को जो है यहाँ पे इजीली यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। काफी अच्छा अपडेट है। इस अपडेट के थ्रू मैं यहाँ पे ऐप रिसाइज के यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको यहाँ पे ऐप के साइज को जो है यहाँ पे रिसाइज करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। हालांकि ये अपडेट हो सकता है कि कई सारे डिवाइस यूजर्स को ना मिला हो, बट यहां पे जितनी डिवाइस के यूजर्स को जो है प्रोवाइड हुआ है उन वो सभी यूजर्स जो है इस जो है फीचर को जो है यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है, कैसे इनेबल करना है, सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोवाइड होने वाली है। अगर आप Realme डिवाइस के यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप भी जो है ऐप को मिनिमाइज में रखते हैं और उस ऐप को रीसाइज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे ऐप को रीसाइज करने के लिए मैं सबसे पहले तो एग्जांपल दिखा देता हूँ, कैसे यहाँ पे ऑन करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कोई ऐप ले लेता हूँ, जैसे माई फाइल से, ठीक है, मैंने इसको ले लिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐप जो काफी ज्यादा छोटा लग रहा है या फिर आपको बड़ा लग रहा है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऐप को यहाँ पर टिक करके जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे रीसाइज हो रहा है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो आप यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जिस तरीके से, और बाकी उसके बाद जो है आप इजीली जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस ऐप को कुछ इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा रीसाइज करना है तो यहाँ पे टिक मार करके ऑटोमेटिक ये यहाँ पे रीसाइज हो जाएगा। तो चलिए, ये जो फीचर है, ये फीचर कैसे इनेबल करना है, कैसे इस अपडेट के थ्रू आपको इस फीचर को यूज करना है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इस फीचर को जो है यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टैप करते हैं और यहां से सिंपली इसको क्लोज करते हैं। आप यहां पे इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे जो है कई सारे ऑप्शन जो है जरूर से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है स्पेशल फीचर्स का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपली टैप करना है। जैसे इसको टैप करेंगे तो आपको स्मार्ट साइड बार मिलता है, इसको सिंपली टैप करना है। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे ये डिसेबल हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको करना क्या होगा कि इसको आपको इनेबल करना है। देख सकते हैं ये डिसेबल है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इनेबल कर देना है। आप जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपको इस साइड में एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको साइड मतलब इस पोर्शन में, या तो इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, आपको एक इस तरीके से जो यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसको स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐप्स हैं, इनको आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ऐप को ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐप आपको चाहिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना है और ऐप्स पे आपको टैप करना है। ऐप्स पे टैप करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ऐप लग रहा है उस ऐप को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर वगैरह हम यहाँ पे टैप करते हैं तो ये ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आपको डन पे जो है सिंपली क्लिक करना है, ठीक है, ये ऐड हो गया है। अब जैसे आप कोई भी यहाँ पे ऐप को ओपन करते हैं, देख सकते हैं ये ऐप ओपन हो गया, तो ये अपना एक जो इसका मिनिमम साइज है इसमें ओपन होगा, बट आप चाहते हैं नहीं भाई हमको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप टैप करके इस तरीके से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये काफी अच्छा अपडेट है जो कि मिलता है। और अच्छा, यहां पे अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके खींच देते हैं तो ये पूरा ही यहां पे ओपन हो जाएगा और काफी अच्छे तरीके से जो ये वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा फीचर है जिसको आप जो है अपने इस Realme फोन में जो है यूज कर सकते हैं, और काफी अच्छा अपडेट है। तो कई सारे डिवाइस के यूजर्स को ये फीचर जो है जरूर से देखने को मिला होगा, और कई सारे डिवाइस के यूजर्स को ये फीचर नहीं मिला होगा। तो जिन भी डिवाइस के यूजर्स को नहीं मिला उनको वेट करना है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, हो सकता है कि जिन जो डिवाइस एप्लीकेबल होंगी उनको मे बी यहां पे एज सून एज पॉसिबल जो यहां पे रोल आउट किया जाए ये फीचर। बट फिर भी लगभग ऑलमोस्ट कई सारे डिवाइस है जिनको यहाँ पे अपडेट जो है देखने को मिल गया है। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको ये अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है देखने को। तो दोस्तों, होपली आपको ये जो वीडियो है वो पसंद जरूर से आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।